देखो जनरली हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप लेते हैं, ठीक है, और उसको रिस्टोर करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है कि एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर बहुत सारे OU वगैरह भी होते हैं, ठीक है, यूजर वगैरह भी होते हैं, ग्रुप वगैरह भी होते हैं, ठीक है। तो टाइम टू टाइम क्या होता है कि भाई अगर कोई यूजर हमने डिलीट कर दिया मान के चलते हैं, ठीक है, तो क्या है रेप्लिकेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि वो एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे सिंक होते रहते हैं, ठीक है। मान के चलते हैं कि कोई सर्वर हमारा डाउन हो गया, ठीक है, या कोई प्रॉब्लम आ गई, इमरजेंसी हो गई, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं जो दूसरा अल्टरनेटिव जो दूसरा DC होता है हमारा उसको यूज करके काम करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि हमारे पास जो सर्वर है उसका प्रॉपर बैकअप नहीं होता, ठीक है, तो जब हम बैकअप से रिस्टोर करते हैं तो वहाँ पे कई तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, उसी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब देखो जनरली, अब एक जनरल वे में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बैकअप है आपका, रिकॉर्डिंग ऑन कर ली, ठीक है, बैकअप जो बेसिकली होता है ये प्रिवेंटिव मैकेनिज्म होता है, ठीक है। यानी कि क्या होता है कि अगर आपके पास बैकअप नहीं है और आप जो है काम कर रहे हो तो आपके जो क्रिटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनको आप रिस्टोर नहीं कर सकते अगर आपके पास क्या है पहले से उसका बैकअप नहीं है। तो बैकअप हमारे पास बेसिकली जो है डिफरेंट टाइप का बैकअप आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर हम टाइप की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारे पास नॉर्मल बैकअप, दूसरा होता है हमारे पास इंक्रीमेंटल, तीसरा होता है हमारे पास डिफरेंशियल, डिफरेंशियल बैकअप, फोर्थ होता है हमारे पास कॉपी बैकअप, ठीक है, और इसके बाद आता है डेली बैकअप। ये पांच कैटेगरी के बैकअप होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब देखो जो विंडोज सर्वर है हमारे पास, पहले उसमें ये सारे बैकअप जो है दिए जाते थे, ये सारे बैकअप सपोर्ट करता था, ठीक है। अब जनरली जो बैकअप है आपके पास वो नॉर्मल बैकअप आप लेके उसको रिस्टोर कर दोगे, बस अब एक ही ऑप्शन बचा है, बाकी ये सारी जो चीज़ें हैं ये अब माइक्रोसॉफ्ट ने अपने बैकअप सॉफ्टवेयर के अंदर से हटा दी है, ठीक है। इसमें देखो हमारे पास जो नॉर्मल बैकअप होता है ये बेसिकली क्या होता है, ये होल बैकअप होता है, नॉर्मल बैकअप को हम बोलते हैं होल बैकअप, इट इज ए होल बैकअप ऑफ योर सिस्टम। अब होल बैकअप के अंदर क्या क्या चीज़ आ जाएंगी आपके पास, वही कंप्यूटर के अंदर आपके पास क्या है, विंडोज है, ठीक है, तो यानी कि हमारे पास क्या है कि विंडोज के अंदर जितने भी चीज़ें हैं जो भी सेटिंग्स वगैरह हैं तो आपका सिस्टम बैकअप कह सकते हो आप उसको, ठीक है ना। तो आपकी कंप्लीट सिस्टम की जो है एक इमेज बन जाती है यहाँ पे, इमेज फाइल। अब ये इमेज फाइल जो होती है ये पूरी सिस्टम की बन जाएगी, होल सिस्टम की बन जाएगी, जो भी सेटिंग्स वगैरह है वो इसके अंदर रहती है, ठीक है। अब क्या होता है आपकी विंडोज में प्रॉब्लम आ गई या कुछ हो गई तो आप क्या कर सकते हो इस इमेज फाइल के थ्रू इस बैकअप को रिस्टोर कर सकते हो, ये होल बैकअप है आपका, ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर है, ठीक है। तो जो नॉर्मल बैकअप होता है बेसिकली वो क्यों लिया जाता है,
कि भाई सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई सर्वर में प्रॉब्लम आ गई, तो आप क्या कर सकते हो, उसके बैकअप से उसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो जो ओरिजिनल सेटिंग है वो आपकी यहाँ पे रिस्टोर हो जाती है, रिकवर हो जाती है चीज़ें, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे नॉर्मल बैकअप लेते हैं। अब नॉर्मल बैकअप कब कब ले सकते हो, नॉर्मल बैकअप जो होता है वो ले सकते हो वीक में एक बार, वीकली ले सकते हो आप इसको, तो कह सकते हो वंस इन अ वीक, ठीक है। हफ्ते में एक बार कम से कम जो है आप नॉर्मल बैकअप ले सकते हो। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमने नॉर्मल बैकअप लिया है या नहीं लिया है? देखो, तो नॉर्मल बैकअप को पता लगाने के लिए बेसिकली क्या होता है, सिस्टम क्या करता है, हमारे अंदर कुछ मार्क करता है, फाइल्स को मार्क करता है। तो हमारे पास क्या होती है, एक आर्काइव बिट होती है, आर्काइव बिट। ये आर्काइव बिट जो होती है ये ऑन हो जाती है जब हम क्या करते हैं, हमारे सिस्टम में कोई भी फाइल बनाते हैं, कोई भी नई आप फाइल बना रहे हो, तो आर्काइव बिट क्या हो जाती है, ऑन हो जाती है। और जब हम लोग बैकअप ले लेते हैं आफ्टर नॉर्मल बैकअप, आर्काइव बिट्स इज ऑफ, आर्काइव बिट क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, काम करते रहते हैं, तो फिर से क्या हो जाएगी, आर्काइव बिट ऑन हो जाएगी। बात समझ आ रही है? तो ये रेस्पॉन्सिबल है आपके बैकअप के लिए, ठीक है ना। तो कोई भी फाइल आप बना रहे हो, अगर उसकी आर्काइव बिट ऑन है तो उसका नॉर्मल बैकअप में वो बैकअप आएगा, अगर उसकी आर्काइव बिट ऑफ है तो नॉर्मल बैकअप उसका बैकअप लेगा ही नहीं, राइट। अब ये जो आर्काइव बिट होती है ये कहाँ पे आप देख सकते हो, तो इसके लिए चलो मैं यहाँ पे एक सर्वर ऑन कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे एक्सप्लोरर के अंदर जाओगे आप, यहाँ पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे मोर में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे एट्रीब्यूट ऑप्शन में जाएंगे, ओके कर देंगे इसे। तो आप देख सकते हो एट्रीब्यूट ऑप्शन में, यहाँ पे आप देख सकते हो ए लिखा है, ये देखो लिखा ए, ए का मतलब होता है आर्काइव एट्रीब्यूट, ठीक है ना। तो यहां पे इसका क्या है, आर्काइव एट्रीब्यूट सेट है, तो बहुत सारी फाइल्स आपकी ऐसी होंगी जिसके आर्काइव एट्रीब्यूट क्या होंगे, सेट होंगे। जो आर्काइव एट्रीब्यूट जो जिनके सेट होंगे वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सिस्टम क्या करेगा, उसका बैकअप उठा लेगा। देखो ए लिखा रहे यानी कि नई फाइल्स बनी हुई है, ठीक है। तो आर्काइव एट्रीब्यूट जिनका भी सेट होता है, समझ आ गया ना, जिसमें ए लिखा है उसका बैकअप आना ही आना है, ठीक है। तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली मैनेज कर रहा है इस चीज को, ठीक है ना। लेकिन सर आप बोल रहे हो कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो है और ऑप्शन हटा दिए सब, जैसे कि इंक्रीमेंटल और डिफरेंशियल बैकअप भी हटा दिए हैं,
बट जो है प्रोजेक्ट हमने आज हमने फुल बैकअप जो है हमारा कंप्लीट हो गया, देन कल हमारे पर देन परसों सर्वर डाउन हो गया, तो उस कंडीशन में हमें कल का भी तो चाहिए होगा ना बैकअप, जो कुछ चेंजेस होंगे ना। हाँ तो वो आप डेली बैकअप ले सकते हो ना उसका। हाँ अच्छा, तो वो थर्ड पार्टी टूल के थ्रू होगा ना फिर तो। देखो क्या होता है ना, यहाँ पे हम लोग बैकअप के लिए बैकअप फीचर यूज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे टूल में विंडोज सर्वर बैकअप आ रहा है यहाँ पे, अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे जब आप बैकअप बनाओगे, राइट क्लिक करोगे यहाँ पे, अभी तो ये पूरी तरह से इंस्टॉल नहीं है। तो देखो इसको बैकअप को लेने के लिए यहाँ पे रोल्स ऐड होता है, नेक्स्ट करोगे आप, यहाँ पे आपको मिलेगा बैकअप फीचर। दिख रहा है कहीं फीचर में होगा वो। तो सर्वर बैकअप ये रहा, देखो यहाँ से आप ले लो, ठीक है, इंस्टॉल कर लो इसे। तो यहाँ पे विंडोज सर्वर बैकअप के अंदर जाएंगे। अब देखो क्या होता है कि हमारे पास जब हम लोग बैकअप यहाँ पे लेते हैं इसका, तो देखो कह रहा है बैकअप। अच्छा इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक ड्राइव माउंट करनी पड़ेगी जिसमें हम अब बैकअप ले सकते हैं, ठीक है। या फिर आप क्या है टेप ड्राइव वगैरह सेट कर सकते हो, यानी कोई ना कोई डिवाइस सेट होनी चाहिए यहाँ पे, तभी हम क्या कर सकते हैं इसका बैकअप ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पे बैकअप शेड्यूल आ रहा है, बैकअप वंस आ रहा है, रिकवर आ रहा है। नो बैकअप हैज बीन कॉन्फिगर्ड ऑन दिस कंप्यूटर, यूज द बैकअप शेड्यूल, बैकअप विजार्ड और बैकअप वंस टू परफॉर्म द रेगुलर बैकअप। तो बैकअप वंस पे क्लिक कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे शेड्यूल बैकअप डिफरेंट ऑप्शन, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे। फुल सर्वर बैकअप रिकमेंडेड, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कह रहा है कि सारे सिस्टम का बैकअप ले लें। तो देखो सर्वर का डेटा, एप्लीकेशन, सिस्टम स्टेट, टोटल साइज आ रहा है 29.12 GB, इतना बैकअप के लिए आप बोल रहा है। तो अब ये बैकअप के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, लोकल ड्राइव या फिर रिमोट ड्राइव या शेयर फोल्डर ड्राइव, वो आप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, अगर सी ड्राइव अवेलेबल है, उसके अलावा कोई और ड्राइव नहीं है, तो यहाँ पे ये बैकअप लेने नहीं देगा आप। तो देखो मैं लोकल ड्राइव सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो मेरे पास एक अलग से ड्राइव बनी हुई थी, ई ड्राइव। तो इसने उस ई ड्राइव को एज ए बैकअप ड्राइव की तरह ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगी, कोई एक्सटर्नल ड्राइव होगी, वो भी आप अटैच करके यूज़ कर सकते हो, या फिर रिमोट ड्राइव में भी आप बैकअप ले सकते हो यूएनसी पाथ यूज़ करके, ठीक है। तो जैसे अब मेरे पास ई ड्राइव यहाँ पे पड़ी थी, सी के अलावा और कोई ड्राइव अगर नहीं होगी तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा कुछ भी। तो आपको पहले उस ड्राइव को माउंट करके ऐड करना पड़ेगा, तब जाके बैकअप के लिए उसको सेट करेगा। तो हम यहाँ पे बैकअप के लिए देखो ई ड्राइव को सेट कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। सिलेक्टेड वॉल्यूम आल्सो इंक्लूड इन द लिस्ट ऑफ आइटम ऑफ बैकअप, डू यू वांट टू एक्सक्लूड द वॉल्यूम फ्रॉम द बैकअप आइटम्स, ठीक है। अब ये ई ड्राइव जो है ये बैकअप ले लेगी इसका, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि बैकअप के अंदर क्या क्या, अब क्योंकि देखो मैंने पूरे सिस्टम का बैकअप के लिए ऑप्शन पे क्लिक किया है, ठीक है, कहीं जी भी डेटा हो जाएगा। तो अब ये क्या कर रहा है इसमें, देखो चूज करने के लिए बोल रहा है कि आप बेयर मेटल रिकवरी करना चाहते हो या फिर आप क्या करना चाहते हो, एफएस फाइल सिस्टम को
कॉपी करना चाहते हो या सी ड्राइव को करना चाहते हो या सिस्टम स्टेट। अब देखो इसमें जो होता है कि सिस्टम स्टेट जो बैकअप होता है वो हमारी सिस्टम फाइल का बैकअप होता है, और साथ में क्या होता है एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप भी इसी के अंदर होता है, ठीक है ना। तो सिस्टम स्टेट का मतलब है कि आपकी जितनी भी रजिस्ट्री है, ठीक है, एप्लीकेशंस जितनी भी आपकी इसकी सेटिंग्स है, एक्टिव डायरेक्टरी है, वो सारा इसके अंदर आएगा सिस्टम स्टेट, ठीक है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जो बैकअप लेते हैं वो सिस्टम स्टेट का लेते हैं कि हमारी सारी सेटिंग्स वगैरह आ जाए यहाँ पे एडी सहित, ठीक है। सी ड्राइव, अब ये सी ड्राइव पे अगर क्लिक कर दे तो ये सी को पूरा पूरा कॉपी करेगा ईच एंड एवरी थिंग, ठीक है। ई एफ आई फाइल सिस्टम में क्या होगा, ये सिर्फ क्या करेगा फाइल सिस्टम को ही कॉपी करेगा। जैसे हम अलग देखो एक सी ड्राइव बनती है जिसमें ओएस डाला होता है, इसके अलावा और भी ड्राइव होती है हमारे पास, ठीक है ना, एक सिस्टम ड्राइव होती है बनी भी, ठीक है। तो उसका बैकअप के लिए कह रहा है ये, अलग से जो ड्राइव बनती है ना आपकी जिसमें सिस्टम फाइलें कॉपी होती है उनका बैकअप लेने के लिए कह रहा है ये सिस्टम पार्टीशन। और बेयर मेटल रिकवरी का मतलब होता है कि आप ईच एंड एवरी थिंग सी ड्राइव डी ड्राइव ई ड्राइव एफ ड्राइव सारा कुछ क्या करेगा ये एक ही जगह बैकअप क्या करेगा उसका ले लेगा, ठीक है ना। बेयर मेटल का मतलब होता है होल सिस्टम, होल सिस्टम में आपका जो विंडोज़ भी आ गया साथ में आपकी एप्लीकेशन भी आ गई। मान के चलते आपने ऑफिस डाला हुआ था और आप चाहते हो कि ऑफिस जो है आपका वो दोबारा ना डालना पड़े, बैकअप लेके रखें आप, और बेयर मेटल के थ्रू ही आप सारा जो है रिकवर करना चाहते हो ईच एंड एवरी थिंग, तब आप इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। बेयर मेटल में एवरी थिंग आ गया, कुछ नहीं बचेगा इसमें, ठीक है ना। अब इसके लिए देखो बाय डिफॉल्ट जो है ये यूज़ कर रहा है VSS कॉपी बैकअप। तो मैंने आपको बताया था देखो नॉर्मल बैकअप, इंक्रीमेंटल, डिफरेंशियल, कॉपी और डेली, ठीक है ना। इसमें से देखो नॉर्मल बैकअप वो बैकअप होता है जो होल बैकअप होता है, इसमें आपके सारे सिस्टम की फाइल्स आ जाएंगी, ठीक है ना। यानी कि सी ड्राइव का कंप्लीट बैकअप अगर आप ले रहे हो तो वो आपका नॉर्मल बैकअप में आएगा, ठीक है ना। उसके अंदर विंडोज़ की फाइल इंक्लूड नहीं होंगी, ध्यान रखना। वो सिर्फ क्या कर रहा है आपकी जो फाइल्स बनाई हैं आपने जिनके आर्काइव एट्रीब्यूट सेट हैं जिनमें AA लिखा आ रहा है ना उनका बैकअप ले लेगा सिर्फ, ठीक है ना। वो सिस्टम फाइलें वगैरह का नहीं बैकअप नहीं लेगा, ठीक है। तो वो नॉर्मल बैकअप होता है, नॉर्मल बैकअप में फाइल्स वगैरह सारी आ जाएंगी आपकी जिनके आर्काइव एट्रीब्यूट क्या हैं सेट हैं, समझ आया। दूसरा हमारे पास क्या होता है कॉपी बैकअप होता है। कॉपी बैकअप जो होता है ये फास्ट बैकअप लेने का एक तरीका है। तो जैसे यहाँ पे लिखा रहा है VSS कॉपी बैकअप, तो VSS को बोलते हैं वॉल्यूम शेडो कॉपी। VSS वॉल्यूम शेडो कॉपी होती है। अब ये करती क्या है बेसिकली हमारे पास, ये तो पता हो गया आपको नॉर्मल वाले का। कॉपी बैकअप जो है ये क्या करेगा, नॉर्मल बैकअप में आर्काइव एट्रीब्यूट सेट होता, इसमें क्या है कोई आर्काइव एट्रीब्यूट सेट नहीं होगा, नो एनी आर्काइव एट्रीब्यूट इज सेट। तो ये आर्काइव एट्रीब्यूट को चेक करेगा ही नहीं, नो चेकिंग, आर्काइव एट्रीब्यूट की कोई चेकिंग नहीं होगी। ये भी क्या है होल बैकअप है। अब देखो इस वाले होल बैकअप में और इस होल बैकअप में क्या फर्क है, ये क्या कर रहा है आर्काइव एट्रीब्यूट्स को चेक नहीं कर रहा है कि सभी फाइल जिनके एट्रीब्यूट सेट हैं या नहीं है, उन सभी फाइल्स का बैकअप ले लेता है। जबकि नॉर्मल बैकअप क्या करता है सिर्फ आर्काइव एट्रीब्यूट जिनके ऑन है उन्हीं का बैकअप लेगा। इन दोनों में ये डिफरेंस है, बाकी दोनों बैकअप होल बैकअप कहलाते हैं। ये भी होल बैकअप कहलाएगा और ये भी होल बैकअप कहलाएगा। ईच एंड एवरी थिंग इसके अंदर भी आएगा, इसके अंदर भी आएगा, जितनी भी फाइल्स हैं उन सभी का बैकअप लिया जा रहा है इसके अंदर, इसमें भी सबका बैकअप लिया जा रहा है। लेकिन ये क्या कर रहा है आर्काइव एट्रीब्यूट्स को चेक करता है, ये आर्काइव एट्रीब्यूट्स को चेक नहीं करता, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है ये वाला जो बैकअप होता है ये फास्ट बैकअप होता है। अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों में से फास्ट कौन सा है,
तो हम ये कह सकते हैं कॉपी बैकअप इज मोर फास्ट देन नॉर्मल बैकअप, क्योंकि एक एक एट्रीब्यूट को चेक कर रहा है, ये नहीं कर रहा, तो ये फास्ट होगा। ये भी होल बैकअप है, ये भी वाला होल बैकअप है, समझ रहे हो। अब इसके अंदर देखो आपने ऑप्शन चूज किया VSS बैकअप, VSS कॉपी बैकअप, तो VSS को बोलते हैं वॉल्यूम शैडो कॉपी बैकअप, वॉल्यूम शैडो कॉपी बैकअप। वॉल्यूम शैडो कॉपी पता है क्या होता है आपको, कभी यूज किया है? देखो VSS बैकअप जो होता है ये माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। बेसिकली ये फास्ट मेथड है किसी भी फाइल्स को कॉपी करने का, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट आया था ये आया था 2003 के अंदर, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई भी एप्लीकेशन रनिंग में चल रही है, मान के चलते हैं इस सबसे अच्छा एग्जांपल हम लेते हैं कि एक्सचेंज सर्वर हमारा चल रहा है, तो क्या है कि वो एप्लीकेशन क्या है ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं उसका बैकअप ले रहे हैं किसी भी चीज का। तो क्या होता है कि हमारे पास जो करंट ट्रांजेक्शन लॉग फाइल्स होती है, करंट ट्रांजेक्शंस लॉग फाइल्स, ये जो करंट ट्रांजेक्शन लॉग फाइल्स होती है इनका बैकअप नहीं आ पाता है। जब हम बैकअप लेते हैं, ठीक है, अगर कोई फाइल करंट में प्रोसेस हो रही है, ट्रांजेक्शन हो रही है, तो क्या उसका बैकअप बैकअप के अंदर आएगा? नहीं आएगा। बात समझ आई? नो सर, कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन? अरे भैया देखो, मान के चलते हैं कि भाई आप यहाँ पे एक डेटाबेस को मैनेज कर रहे हैं, और ये डेटाबेस क्या है, किसी एप्लीकेशन से कनेक्ट है, मान के चलते हैं एसक्यूएल सर्वर से कनेक्टेड है डेटाबेस, और यहाँ पे क्या होती है कुछ लॉग फाइल्स बन रही है। ये लॉग फाइल्स क्या है, करंट ट्रांजेक्शन लॉग फाइल है। करंट ट्रांजेक्शन वो लॉग फाइल होती है जो करंट में चल रही है एप्लीकेशन के साथ। जब ओके, तक मैं ओके. उस एप्लीकेशन को क्लोज नहीं करूंगा वो करंट ट्रांजेक्शन लॉग फाइल्स स्टॉप नहीं होंगी, नहीं समझ रहे ओके हो? या अंडरस्टैंड जब तक वो एप्लीकेशन क्लोज नहीं करेंगे तब तक वो बैकअप के अंदर इंक्लूड नहीं करेगा उसको। ओके जब मैं किसी फाइल को क्लोज कर देता हूँ तभी जाके उसका जो करंट ट्रांजेक्शन लॉग फाइल्स जो है वो स्टॉप हो पाएगा, उसका एक्चुअल लॉग फाइल यहाँ पे क्या होगा बनेगा, और तभी सॉफ्टवेयर क्या करेगा उस लॉग फाइल को फैच कर पाएगा, उठा पाएगा बैकअप के लिए। अगर वो करंट ट्रांजेक्शन में चल रही होगी तो बैकअप लेने में उसको प्रॉब्लम होगी, वो ले नहीं पाएगा उसका। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलते कोई फाइल खुली है और आप उसे कट और पेस्ट करना चाहते हो, तो क्या कर पाओगे मुझे बताओ? नहीं सर, आप क्या कर रहे हो, उसे कट कर रहे हो पेस्ट कर रहे हो या फिर कॉपी पेस्ट भी कर रहे हो तो भी दिक्कत आएगी। जैसे हमने जैसे आउटलुक हम यूज कर रहे हैं और उसमें PHT अटैच है, हम चाहते हैं कहीं और PHT कॉपी कर लें, तो वो जो है बताएगा कि अभी एप्लीकेशन ओपन है, देन ओपन है। जब तक क्लोज नहीं करोगे तब तक वो नहीं करेगा, समझ रहे मेरी बात को क्या कह रहा हूँ? उस चीज को कहते हैं करंट ट्रांजेक्शन लॉग, जो काम करंटली चल रहा है या राइट हो रहा है किसी जगह पे। अब यहाँ तो ये हो रहा है राइट, और आप क्या कर रहे हो इसी करंट ट्रांजेक्शन को उठा रहे हो, कॉपी कर रहे हो, बैकअप ले रहे हो उसका, तो हो या नहीं? वो बोलेगा कि दिस फाइल इज यूज बाई अनदर प्रोसेस, यू कैन नॉट बी कंटिन्यू, यही बोलेगा ना। तो अब क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट ने इस टेक्नोलॉजी को 2003 में स्टार्ट किया था, क्योंकि इससे पहले जब हम लोग बैकअप लेते थे तो प्रॉब्लम आती थी, तो उन्होंने ये कहा कि अगर हम इस ऑप्शन को क्लिक कर दें वॉल्यूम शेडो कॉपी सर्विस, तो क्या करेगा उसकी क्या करेगा, करंट ट्रांजेक्शन की एक शेडो बना लेगा, क्या बना लेगा, शेडो बना लेगा, और उसके बाद उसको कॉपी करेगा। तो उससे क्या होगा कि वो जो फाइल्स है वो भी ट्रांजेक्शन फाइल यहाँ कॉपी हो जाएगी, यानी कि लास्ट मिनट तक की जो फाइल है वो आपको मिल पाएगी, नहीं समझ रहे? इसी को हम बोलते हैं VSS बैकअप, VSS कॉपी बैकअप। एक अच्छा फीचर है, जब हम इस तरह की एप्लीकेशन वगैरह विदाउट क्लोजिंग बैकअप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशन है जो रनिंग में चल रही है और उनका भी हम बैकअप लेना चाहते हैं, और अब हम
बैकअप कैसे लेना चाहते हैं, उसका होल बैकअप लेना चाहते हो। होल बैकअप जो होता है कॉपी बैकअप होता है, लेकिन क्या होता है कॉपी बैकअप उस समय हम देखो नॉर्मल बैकअप उस समय नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आर्काइव एट्रीब्यूट क्या होगी उस समय उस पर काम चल रहा होगा, तो क्या होगा ये आर्काइव एट्रीब्यूट्स क्या होगी उस समय ऑन नहीं हो पाएगी और वो बैकअप नहीं ले लेगा उसका। तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप कॉपी बैकअप चूज करो और उसको बैकअप ले लो, राइट, और उसमें VSS ऑप्शंस को क्लिक कर दो, नहीं समझे? तो उससे क्या होगा कि हमारा जो बैकअप है वो क्या होगा, वो अच्छी तरीके से आ पाएगा, ठीक है सो ना? बट सर दिस BSS इज देयर इज इट इन हाइपर वी सर्वर, सो आई सॉ वंस दिस दिस ऑप्शन BSS ऑप्शन। बिल्कुल होता है, सब में होता है, सभी के अंदर होता है ये। अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो आप उस एप्लीकेशन को क्लोज करे बिना बैकअप नहीं ले सकते, ठीक है ना? जहाँ जहाँ पे क्या होता है कि एप्लीकेशन चलती होती है कई सारी और फिर बैकअप लिया जाता है, तो ये वॉल्यूम शैडो कॉपी क्या करती है, उसकी एक फाइल बना लेती है, उसके बाद उसको बैकअप लेती है। तो एक तरह से कह सकते हो कि स्नैपशॉट बनाया उस चीज़ का और उसने बैकअप ले लिया उसका, नहीं समझ रहे? वॉल्यूम शैडो कॉपी इज जस्ट लाइक एन स्नैपशॉट, ठीक है ना? उसकी स्नैपशॉट लेगा और फिर बैकअप लेगा उसको। तो ये हर जगह चलता है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने स्टार्ट किया था, तो ये हर जगह यूज होता है, ठीक है? सिर्फ हाइपर भी ही नहीं, हर जगह यूज हो रहा है, ठीक है ना? समझ आया? तो नॉर्मल बैकअप और कॉपी बैकअप में डिफरेंस समझ में आ गया आपको? इसके बाद देखो इंक्रीमेंटल बैकअप और डिफरेंशियल बैकअप को समझना जरूरी है। इंक्रीमेंटल बैकअप वर्सेस डिफरेंशियल बैकअप, देखो क्या होता है इंक्रीमेंटल, जैसे नाम से ही पता लग रहा है इंक्रीमेंटल बैकअप। तो इंक्रीमेंटल बैकअप का मतलब है कि हमने नॉर्मल बैकअप ले लिया, तो नॉर्मल बैकअप में क्या होगा, जितनी भी आर्काइव एट्रीब्यूट्स हैं हमारे वो क्या हो जाएंगी, ऑफ हो जाएंगी आफ्टर नॉर्मल बैकअप। नॉर्मल बैकअप लेने से पहले आर्काइव एट्रीब्यूट सेट थी हमारी, राइट? तो जितने भी फाइल्स जिनमें ए मार्क हुआ हुआ था नॉर्मल बैकअप ने उन सब का बैकअप ले लिया, समझ आया? आफ्टर नॉर्मल बैकअप आर्काइव एट्रीब्यूट्स जो है वो क्या हो जाएगा, उस फाइल का ऑफ हो जाएगा, क्योंकि उसका बैकअप लिया जा चुका है। ये एट्रीब्यूट्स बिकम ऑफ, ये ऑफ हो गया। मान के चलते हैं कि हमारे पास ये आपने बैकअप ले लिया, उसके बाद आर्काइव एट्रीब्यूट उसका ऑफ हो गया। अब जब उस फाइल में आप क्या करोगे, कुछ चीज चेंज करोगे, तो जैसे ही उसमें चेंज होगा फाइल के अंदर, वापस से ए एट्रीब्यूट उसका ऑन हो जाएगा, समझ रहे हो? मान के चलते हैं कि भाई आपने एक बनाई फाइल वन, एक बनाई फाइल टू, एक बनाई फाइल थ्री, ये तीन फाइलें बनाई आपने। अब क्या है कि जब आप फाइल बनाते हो तो उसका ए एट्रीब्यूट क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है, राइट? अब हमने क्या किया, इन तीनों फाइलों का नॉर्मल बैकअप ले लिया, समझ आया? नॉर्मल बैकअप लेने के बाद अब जो पोजीशन है वो है फाइल वन, फाइल टू, फाइल थ्री। ए एट्रीब्यूट्स अभी यहाँ पे नहीं है सेट, क्योंकि आफ्टर नॉर्मल बैकअप ए एट्रीब्यूट्स इज हाइड, ए एट्रीब्यूट हट गया इसका। अब क्या किया आपने, फाइल वन में कुछ चेंज किया, तो जैसी फाइल वन में आप चेंज करोगे इसका ए एट्रीब्यूट ऑन हो जाएगा, जबकि फाइल टू और थ्री का ए एट्रीब्यूट ऑन नहीं होगा। अब दोबारा से आप इस पूरे का बैकअप लेना चाहते हो, राइट? तो अब आप नॉर्मल बैकअप ना लेके क्या बैकअप लोगे, इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल उन्हीं फाइल्स का बैकअप लेगा जिनमें लास्ट बैकअप के बाद चेंजेस आया है, ए ना आर्काइव। यानी कि अब ये जो दो फाइलें हैं ये बैकअप के अंदर इंक्रीमेंटल के अंदर नहीं आएंगी। इंक्रीमेंटल बैकअप इन दोनों फाइल का बैकअप नहीं लेगा, क्योंकि नॉर्मल बैकअप ने हमने इस फाइल का बैकअप ले चुका था,
राइट, या और इनमें कोई चेंजेस नहीं आया है। तो इंक्रीमेंटल उन्हीं फाइल्स का बैकअप लेता है जिनमें आफ्टर नॉर्मल बैकअप चेंजेस आता है। राइट, नहीं समझ आया? यस अंडरस्टूड यानी कि सर। जो फाइल 2 और 3 है इनका बैकअप इंक्रीमेंटल बैकअप के अंदर नहीं आएगा, सिर्फ फाइल 1 का बैकअप आएगा। बात समझ आई? तो यस सर, इंक्रीमेंटल बैकअप हमें क्या है लेना पड़ता है हर दिन, ठीक है? राइट, हर दिन इंक्रीमेंटल बैकअप लोगे तो हमें ये रहेगा कि जो जो फाइल चेंज होती रहेंगी उनका बैकअप इंक्रीमेंटल बैकअप में रिकॉर्ड होता रहेगा। बात ओके, समझ आई? यस सर, इंक्रीमेंटल बैकअप भी ए एट्रीब्यूट को ही चेक करता है। आपने सारी फाइलें सेलेक्ट कर ली, लेकिन ये क्या करेगा, जिसका ए एट्रीब्यूट चेंज है उन्हीं को बैकअप में लेगा। नहीं समझ में आया? यस सर, अंडरस्टूड। ठीक है, अच्छा, ये आप इंक्रीमेंटल समझ गए, आप बैकअप लिए। अब इंक्रीमेंटल आपको डेली लेना पड़ेगा। एक बार नॉर्मल आपने ले लिया, वीक में एक बार ले लिया, और अब आप इंक्रीमेंटल बैकअप उसका क्या करोगे, लोगे, तो ये भी आपको डेली बेसिस पे लेना पड़ेगा आपको। समझ आया? अब हम यहाँ पे बात करेंगे सेकंड बैकअप की, डिफरेंशियल बैकअप की। ये तो आपको समझ में आ गया। डिफरेंशियल बैकअप, देखो डिफरेंशियल बैकअप जो होता है ये भी आपको डेली लेना पड़ेगा। आफ्टर नॉर्मल बैकअप आप डिफरेंशियल बैकअप भी ले सकते हो। तो आप या तो नॉर्मल के साथ इंक्रीमेंटल यूज करोगे, या फिर आप नॉर्मल के साथ क्या यूज करोगे, डिफरेंशियल यूज करोगे। अब डिफरेंशियल बैकअप क्या करता है, देखो डिफरेंशियल बैकअप क्या करता है, आपने यहाँ पे देखो मंडे को लिया नॉर्मल बैकअप, फिर आ गया ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। देखो यहाँ पे आपने लिया डिफरेंशियल, फिर आपने लिया डिफरेंशियल, फिर आपने लिया डिफरेंशियल, फिर आपने लिया डिफरेंशियल, फिर आपने लिया डिफरेंशियल। अब संडे वाले दिन क्या है, सिस्टम क्रैश हो जाता है, क्रैश्ड। बात समझ आई? यस सर, अच्छा, इसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो हमने यहाँ नॉर्मल बैकअप ले लिया, ठीक है? इसके बाद क्या है, जब हमने ट्यूसडे में बैकअप लेंगे डिफरेंशियल, तो ये भी क्या करेगा, जिन फाइल में चेंजेस आया उन्हीं का बैकअप लेता है। ये भी डिफरेंशियल बैकअप भी क्या करता है, जिन फाइल्स में चेंजेस आया है उन्हीं का ओके, एज बैकअप ले रहा है, ये भी समझ लाइक एज रहे हो? इंक्रीमेंटल, ओके, हैं, एज लाइक एज इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल की तरह ये भी क्या कर रहा है, जिन फाइल्स में चेंजेस आया उनका बैकअप ले रहा है। लेकिन ये क्या करता है, ये जब बैकअप लेता है यहाँ पे तो ठीक है, ट्यूसडे में इसने बैकअप ले लिया, लेकिन जब वेनसडे में जब ये बैकअप लेगा तो ये मालूम है क्या करेगा, ये क्या करेगा, ट्यूसडे वाला बैकअप वेनसडे वाले बैकअप के साथ ऐड कर देगा। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? यस, ये देख, इसके बाद क्या हुआ, थर्सडे वाले दिन हमने बैकअप लिया, तो ये क्या, देखो ये वाला जो बैकअप ट्यूसडे प्लस वेनसडे, ठीक है, ट्यूसडे प्लस वेनसडे वाला जो बैकअप है प्लस आज का बैकअप यानी कि थर्सडे का बैकअप, इनको मर्ज कर देगा। समझ रहे हो? ये देखो अब अगले दिन फ्राइडे में जब बैकअप लोगे आप, तो देखो ट्यूसडे प्लस वेनसडे प्लस थर्सडे, ठीक है, ओके, प्लस फ्राइडे। समझ रहे हो? फ्राइडे वाले दिन जो बैकअप मिलेगा आपको उसमें क्या होगा, प्रीवियस बैकअप
प्लस टुडे बैकअप, ये मर्ज हो जाएंगे। ओके ठीक है, सैटरडे वाले दिन क्या होगा? ट्यूसडे प्लस वेनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे प्लस सैटरडे, समझ रहे हो? यानी यस सर कि सैटरडे वाला बैकअप आपका इन सभी दिनों का बैकअप है, समझ रहे हो मेरी बात को? राइट ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक का बैकअप आपका सैटरडे वाले में आ गया। या अब सिस्टम क्रैश हो गया संडे में, संडे में सिस्टम क्या हो गया? क्रैश हो गया। तो रीस्टोर कैसे करोगे? देखो, रीस्टोर मेथड, ढूंढेंगे मंडे का बैकअप कहाँ पे है। मंडे का क्या चाहिए हमें? नॉर्मल बैकअप चाहिए। पहले मंडे के नॉर्मल बैकअप को रिस्टोर कर दिया हमने, और फिर हमने क्या किया, सैटरडे का जो बैकअप था इसको रिस्टोर कर दिया। तो आपका क्या है, कंप्लीट सिस्टम रिस्टोर हो जाएगा। रिस्टोर डन, बात समझ आई? अगर मैं कहता हूं कि अगर यही चीज इंक्रीमेंटल बैकअप होता तो मालूम है क्या होता? इंक्रीमेंटल में क्या करना पड़ता? मंडे का नॉर्मल लेना पड़ता, ट्यूसडे का इंक्रीमेंटल लेना पड़ता, वेनेसडे का इंक्रीमेंटल, थर्सडे का इंक्रीमेंटल, फ्राइडे का इंक्रीमेंटल, सैटरडे का इंक्रीमेंटल रिस्टोर करना पड़ता। तो रिस्टोर हमें कितनी बार करना पड़ता? 1 2 3 4 5 6, 6 बार रिस्टोर करना सर पड़ता, ठीक है ना? तो टाइम किस में वेस्ट होगा? इंक्रीमेंटल में। इंक्रीमेंटल अब दोनों में क्या फर्क होता है, जब आप इंक्रीमेंटल लेते हो तो बड़ा फास्ट होता है। देखो दोनों में डिफरेंसेस क्या है। इंक्रीमेंटल, यार ये पैन ही काम नहीं कर रहा। इंक्रीमेंटल इज फास्ट और डिफरेंशियल क्या होता है, स्लो होता है। राइट डिफरेंशियल जो है वो कैसा है, स्लो है। क्यों स्लो है? क्योंकि ये प्रीवियस बैकअप को आज के बैकअप के साथ मर्ज कर रहा है। ओके क्योंकि ये क्या कर रहा है, डेली का बैकअप जो है ना आपका, पुराने वाले बैकअप को भी आज के साथ मर्ज कर दे रहा है। तो इसलिए जब आप बैकअप लोगे तो उस समय बहुत स्लो होगा, आपको लगेगा यार अच्छा बैकअप लेने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जब सिस्टम क्रैश हो जाएगा तो रिस्टोर बहुत जल्दी होगा, ध्यान रखना। लेने में तो क्या अच्छा हो रहा है, लेने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन रिस्टोर करने में इजी है, राइट ठीक है? तो इंक्रीमेंटल क्या है, लेने में तो फास्ट है लेकिन रिस्टोर में स्लो है। ये फास्ट कब है, जब आप बैकअप ले रहे हो, लेकिन जब रिस्टोर कर रहे हो तो स्लो हो जाएगा। या स्लो इन रिस्टोर, यहां पे डिफरेंशियल स्लो है लेकिन फास्ट है रीस्टोर करने में, फास्ट इन रीस्टोर। दोनों में समझ में आ गया डिफरेंशियल, ये डिफरेंट यस सर डिफरेंस क्या है, ठीक है? तो इंक्रीमेंटल बैकअप अच्छा है यार या डिफरेंशियल, बताओ। So it depends on in my opinion is incremental is better if the company's data is not that important but they should back up every day. But differential backup is then if the data is really very valuable and yeah they don't have any problem like they don't have any peak time after 8 o'clock in the mo so in the evening. Then they can have the differential backup like 8 o'clock to 12 o'clock. If they even take more time, it's not a problem. If any other, I mean, if any user would like to enter in the server in the night, then it will be problem. Otherwise, obviously, differential is better than incremental, more secure. Slow, but in the off-peak time slow, not in peak time. देखो What ये is your डिपेंड करता है opinion? कंपनी कंपनी टू कंपनी, ठीक है ना? Yeah. देखो इंक्रीमेंटल भी बेटर है, क्योंकि देखो इंक्रीमेंटल में क्या हो रहा है, एक तो फास्ट बैकअप लिया जा रहा है,
यू डोंट हैव मोर टाइम, मतलब आपको मतलब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ रहा है, आपको जल्दी से जल्दी बैकअप हो जा रहा है आपका डेली के डेली, ठीक है, इंक्रीमेंटल में। अब क्या है कि नॉर्मल नॉर्मली क्या है कि देखो सिस्टम क्रैश होना होगा तो हो जाएगा, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि भाई आपका जो बैकअप है वो इंक्रीमेंटल में आपका सफिशेंट है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इंक्रीमेंटल बैकअप आप ले रहे हैं, उसमें से कोई एक बैकअप में अगर प्रॉब्लम आ जाए, मान के चलते हैं कि आपने ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे का बैकअप लिया हुआ है, मान के चलते हैं जब आप रिस्टोर करने जा रहे हैं कोई एक बैकअप प्रॉब्लम करने लगे, मान के चलते हैं कि वेनेसडे वाला या थर्सडे वाला बैकअप जो है वो रिस्टोर ना हो, राइट, मेरी बात समझ रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे आप बोलो? आई डोंट नो, आई डिडंट इंक्रीमेंटल गेट। बैकअप रिस्टोर करने जा रहे हैं, मान के चलते हैं थर्सडे का बैकअप जो है वो प्रॉब्लमेटिक है, आपने जब लिया था तो बड़ा फास्ट हो रहा था, लेकिन आपको नहीं पता है वो एक्चुअल में बैकअप उसने लिया ही नहीं ढंग से उसका, किसी वजह से कोई ऐसा जो टास्क है वो वहाँ पे चल रहा था जिस वजह से बैकअप टर्मिनेट हो गया, और आपने सोचा है तो बैकअप आ गया है, लेकिन वो क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया था वो बीच में, समझ रहे हो। लेकिन अगर आप क्या है डिफरेंशियल बैकअप लोगे, तो इसका मतलब डिफरेंशियल बैकअप क्या करता है, प्रीवियस बैकअप की भी कंसिस्टेंसी को चेक करता है, राइट। तो जब आप क्या करोगे, जो अगला बैकअप लोगे तो वो बोलेगा कि प्रीवियस बैकअप जो है वो इनकंसिस्टेंट है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो डिफरेंशियल बैकअप क्या करता है, प्रीवियस बैकअप की कंसिस्टेंसी को भी चेक करता है, क्या वो प्रॉपर है नहीं है, इट्स मोर सिक्योर्ड ना, सो देन बिकॉज इट इज मोर सिक्योर, ठीक है। इन अ माई ओपिनियन डिफरेंशियल बैकअप इज बेटर देन इंक्रीमेंटल बैकअप, बट इट्स स्लो, ये थोड़ा स्लो है पर इतना स्लो नहीं है कि आपको ज्यादा टाइम वेस्ट हो। ओके सर, सपोज सो इंक्रीमेंटल बैकअप, इफ सो इट शुड बी, आई शुड मेंटेन ऑलवेज द सीरियल ना, आई मीन दिस, इफ आई लॉस्ट संडे, माय सिस्टम इज क्रैश्ड ऑन संडे, एंड या द फर्स्ट नॉर्मल बैकअप वाज मंडे, एज लाइक एज योर एग्जांपल हियर, सो देन आई हैव टू रिस्टोर सीरियली, आई मीन एट फर्स्ट मंडे, देन ट्यूजडे, देन वेनेसडे, इफ आई एनी हाउ मिसमैच द डेट, देन इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम, यस, इज इट? इंक्रीमेंटल में तो देखो डेट वाइज आपको रिस्टोर करना पड़ेगा, अगर बीच का कोई मिसिंग पार्ट है तो वो तो मिस ही हो जाएगा ना, अगला बैकअप रिस्टोर कर दिया आपने तो बीच का तो मिस हो गया ना, थर्सडे वाला आपके पास नहीं है तो आप फ्राइडे वाला ही रिस्टोर करोगे, सीधी सी बात है, तो वो जो बीच का कंटेंट है वो गायब हो जाएगा आपका, सर, रिस्टोर इफ तो हो एनी जाएगा लेकिन कंपनी लाइक, प्रॉब्लमेटिक हो गया ना। सो सर, इफ एनी कंपनी, सो आई नो सम कंपनीज, दे हैव इन एवरी 2 आवर्स दे हैव टू बैकअप देयर ऑल द डेटास, सो व्हिच बैकअप विल यू इन दैट केस रेकमेंड इन देखो एवरी क्या टू होता, आवर्स देखो क्या होता है, हमारे पास एक डेली बैकअप भी होता है, हमारे पास डेली बैकअप जो है वो इस सिचुएशन के लिए सही होता है जब आप बहुत ही फ्रिक्वेंटली बैकअप लेते हैं, समझ रहे। देखो जब आपको फ्रिक्वेंटली बैकअप लेना है, एवरी डे आपको बैकअप लेना ही लेना है, और हर 2 घंटे में ले रहे हो कोई बात नहीं, तो आप डेली बैकअप चूज कर सकते हो। डेली बैकअप क्या करता है, डेली बैकअप करंट डेट और टाइम को चेक करता है, जो फाइल्स करंट डेट और टाइम में बनी होगी उन्हीं फाइल्स का बैकअप ये लेता है, नहीं समझ में आया, ये क्या करेगा, देखो देखेगा आज की सिस्टम का डेट क्या है, मान के चलते हैं आज 25 तारीख है, ये 25 तारीख में मैंने कोई फाइल बनाई तो ये इसकी क्रिएशन डेट हो गई, अगर किसी फाइल की क्रिएशन डेट एंड मॉडिफिकेशन डेट, अगर मैं उसे मॉडिफाई करूंगा तो भी डेट चेंज होगी, राइट,
राइट अगर कोई फाइल बनाऊंगा तो भी डेट लिखी आएगी। तो अगर किसी फाइल की क्रिएशन डेट और मॉडिफिकेशन डेट आज की डेट से मैच करती है, उस फाइल राइट को ये बैकअप में उठा लेता है अपने आप। आपको इसे ओके बताने की जरूरत नहीं है कि आपने कौन सी फाइल आज तैयार की है, राइट? तो ये क्या करेगा, उस फाइल का बैकअप ले लेगा। नहीं समझा? या इट विल चेक द डेट एंड टाइम्स स्टैम्प ना, सो डेट यस स्टैम्प यस एंड टाइम स्टैम्प यस, ठीक है ना? तो इसीलिए इसको बोलते हैं डेली बैकअप। डेली बैकअप करंट बैकअप के लिए होता है, ठीक है ना? करंट बैकअप स्टेट को जो बना के रखता है वो डेली बैकअप होता है, ठीक है ना? तो अगर आपने डेली बैकअप को शेड्यूल कर रखा है हर 2 घंटे में, तो ये हर 2 घंटे में क्या करेगा, इसकी डेट और टाइम चेक करेगा, मॉडिफिकेशन क्रिएशन डेट चेक करेगा। अगर वो आज की डेट के करंट टाइम से मैच करती है तो उसे बैकअप ले लेगा, ठीक है ना? तो आपने होल फाइल सेलेक्ट कर ली, लेकिन ये क्या करेगा, उसी फाइल को उठाएगा जिसकी क्रिएशन और मॉडिफिकेशन डेट आज के डेट से मैच करती है। बात समझ आई? तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो पांचों तरह के बैकअप क्लियर हो गए आपको? देखो, यस सर नॉर्मल बैकअप, कॉपी बैकअप, इंक्रीमेंटल बैकअप, डिफरेंशियल बैकअप और डेली बैकअप, 5 तरह के बैकअप हो गए, ठीक है? या ये आप 5ों तरह के बैकअप क्या है ले सकते हैं। बात समझ आएगी? नहीं आई? यस सर आई सो आई सो वन मोर बैकअप आई फॉरगॉट द नेम एक्चुअली इट वाज इन बीम बैकअप सो इन बीम सॉफ्टवेयर दे हैव वन मोर अनदर बैकअप सो यू कैन जस्ट रिवर्स So that was like reverse backup or something like this. I don't know the exact name, but I can tell you tomorrow. देखो, बैकअप जो है वो तो नॉर्मल तो 5 ही तरह के होते हैं, बाकी क्या होता है कि वो डिपेंड करता है कि आपका सॉफ्टवेयर कौन सा है। क्योंकि देखो, अधिकतर थर्ड पार्टी बैकअप सॉफ्टवेयर ही ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने क्या कर दिया, जितनी भी यूटिलिटी वाली चीज़ें हैं ना उसको हटा दिए। पहले सर्वर में हुआ करती थी वो सारी चीज़ें, चूज करना पड़ता था आपको नॉर्मल ले रहे हो क्या ले रहे हो, लेकिन अब क्या किया माइक्रोसॉफ्ट ने, सारा कुछ खत्म कर दिया। बताओ, या अब दैट्स इसमें, ट्रू अब इसमें आपको ऑप्शन ही नहीं मिलता तो क्या करोगे आप? नहीं समझे? या राइट तो ये चीज है, ये वैसे 5 ही तरह का होता है, बाकी अब नए टाइप, नए के नए जो बैकअप हैं वो ऐड कर दिए जाते हैं इसमें, ठीक है ना? सो सर Can you tell me what is your opinion like how many days should be the backup policy? I mean so different company has different opinion, different software this charges different days. Some software like Beam they suggest for 31 days maybe. So because it depends on how many data you have, what is the volume of your data? It depends on that, but I think there is a rules even like in Germany, they have one specific rules. They must have to get the backup of some specific days. Like here is 31 days. I know some companies they must have to have the data. I mean backup minimum for 31 days. This is the 2 days tolerance there is, but you have to take backup for 31 days. Do you know actually what is your opinion on that? देखो, नॉर्मली जो बैकअप होता है नॉर्मल बैकअप की अगर हम बात करें तो ये होल बैकअप होता है, ठीक है? तो होल बैकअप जो होता है ये मंथ में एक बार लिया जाता है, वैसे जनरली क्या है, वंस इन ए मंथ, मंथ होता है 30 दिन का या 31 दिन का, या तो 30 का होगा या 31 होगा, ठीक है ना? तो नॉर्मल प्रोसीजर में आप 30 दिन में एक बार लोगे लोगे बैकअप, ठीक है? ये नॉर्मल बैकअप का मिनिमम टाइम है। मतलब कुछ कंपनी क्या करती है, 30 दिन की जगह हर 15 दिन में बैकअप लेती है,
जब उनका डेटा ज्यादा क्रिटिकल होता है। राइट ये 15 दिन में कॉल लेके कंपनी जो क्रिटिकल बैकअप को स्टोर करना चाहती है, उनका कुछ ऐसा डेटा है अगर वो थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी ज़्यादा। तो 15 दिन क्रिटिकल के लिए होता है, क्रिटिकल ओके ये सभी के लिए है 30 दिन, लेकिन ओके जो क्रिटिकल डेटा है तो 15 दिन में बैकअप लिया जाना चाहिए, ठीक है। ओके अच्छा, इसके अलावा 7 डेज में भी होता है। 7 डेज में क्या होता है कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल है डेटा, ठीक है, मतलब वीवीआईपी डेटा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, वो से हर 7 डेज में बैकअप लिया जाएगा। ये नॉर्मल बैकअप का प्रोसीजर है। बाकी इंक्रीमेंटल और डिफरेंशियल, इनमें से कोई आप एक प्रोसीजर यूज कर सकते हो, चाहे तो इंक्रीमेंटल चला लो नॉर्मल के साथ या डिफरेंशियल चला लो, ठीक है। ये भी आपको डेली लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इंक्रीमेंटल डिफरेंशियल यूज नहीं करना चाहते तो आप यूज करोगे डेली बैकअप। डेली बैकअप में आपके पास क्या होगा कि डेली बैकअप लिया जाएगा, ये हर 8 घंटे में लिया जाता है, every 8 hours, ठीक है ना। बहुत सारी कंपनी क्या करती है, 8 hours की जगह, जैसे आपने कहा कि हर 2 घंटे में लिया जा रहा है, तो इसका मतलब डेटा क्या है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, ठीक है। तो वैसे 8 घंटे होता है इसका नॉर्मल टाइम, लेकिन आपने कहा कि 2 घंटे ले रहे हैं तो इसका मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, ठीक है। ये क्रिटिकल वाली कंडीशन हो गई, हर 2 घंटे में लिया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो होल बैकअप आप लेना चाहते हो, ठीक है, कॉपी विद VSS, ये तब लिया जाता है जब आपकी करंट ट्रांजेक्शन लॉग फाइल्स भी कॉपी करना हो और लार्ज डेटा एक साथ प्रोसेस करना हो, ठीक है। तो नॉर्मल की जगह आप क्या यूज करोगे, कॉपी VSS यूज करोगे, ठीक है। तो कॉपी प्लस इंक्रीमेंटल या डिफरेंशियल चलेगा, फिर नॉर्मल नहीं चलेगा, फिर क्या चलेगा, कॉपी प्लस इंक्रीमेंटल या कॉपी प्लस डिफरेंशियल, ठीक है। ये कॉपी VSS भी आपका क्या होगा, उसका भी वही है 30 डेज, 15 डेज, 7 डेज, ठीक है। डेली बैकअप का मैंने आपको बता दिया, हर 8 घंटे में लेना पड़ता है ये, ठीक है ना। So where can I check this copy VSS? Is should be in server? देखो ये normal backup की तरह ही whole backup, बस उसका नाम रख दिया copy VSS। इससे कि current transaction भी आती रहे copy के अंदर। कोई application चल रही है आपको, उसको shut down नहीं करना पड़ेगा आपको। और backup आ जाएगा उसका भी। इसके अलावा क्या होता है, कंपनी क्या करती है, मिरर बना के रखती है, तो उसे बोलता है मिरर बैकअप। मिरर बैकअप इसलिए जरूरी होता है कि भाई मान के चलते हैं कि भाई आपका क्या है, बैकअप तो है, अच्छी बात है, अपने बैकअप भी रखा हुआ है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी जो बैकअप होता है वो एक जगह से करप्ट हो जाता है। तो क्या मिरर बैकअप उस समय यूज होता है जब आपका बैकअप जो है फेल हो जाए, आप रिस्टोर करना चाह रहे हो और वो फेल्ड हो गया, तो आप क्या करोगे, उसका मिरर बैकअप उठा के रिस्टोर मार दोगे। तो मिरर बैकअप कब आ रहा है, जब कंडीशन क्या हो रही है, प्रॉब्लमेटिक है। सो इफ वन बैकअप मिरर बैकअप इज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द नॉर्मल बैकअप और VSS कॉपी VSS बैकअप, तो आपने उसी बैकअप को एक मिरर बना के रखा हुआ है, जैसे आपने बैकअप ले लिया, अब आप क्या करोगे, उसका मिरर बैकअप बनाओगे, उसकी एक कॉपी अलग जगह स्टोर करोगे, नहीं समझ रहे? राइट, उसे बोलते हैं मिरर बैकअप। मिरर बैकअप एक्सीडेंटल डिलीशन के लिए काम आता है, अगर एक्सीडेंटल डिलीशन हो गया, सारा बैकअप आपका जहां रखा था वहां से भी हट गया, तो अब आपके पास एक सेकेंड कॉपी बचेगी जिसे कहते हैं मिरर बैकअप, ठीक है ना। मोस्टली जो है, जो मिरर बैकअप होता है वो टेप में ही लेते हैं। हाँ, so it's secure if anyhow you take the backup in tape, then if the backup is finished, then tape will automatically come out. Okay, that I think this is the best option.
Otherwise, if you take the backup in any hard disk, in that case, you have to manually detach the hard disk from the system. This Yes. is really very nice. टेप इसीलिए तो यूज होती है। Right. It's little bit costly, कॉस्टली तो actually. पड़ेगा। Sir, I found the name. This is called reverse incremental backup. If you can check this name, actually I wanted to understand what this one is. Reverse incremental backup, which actually is in Beam backup system available. You can check it in Google. So it's रिवर्स इंक्रीमेंटल बैकअप जो है ना वो आपका डिफरेंशियल की तरह ही होता है। ओके वो भी क्या ओके होता है कि एक बैकअप चेन हो गई ना वो एक तरीके की, यानी कि पुराने बैकअप को उसने भी ले रखा है आज के इस बैकअप के साथ। दिस इज ए फुल बैकअप ऑफ द लास्ट रिस्टोर सेट। लास्ट रिस्टोर सेट का फुल बैकअप है वो। उसे रिवर्स इंक्रीमेंटल भी कह सकते हैं। ओके ओके तो वही ओके डिफरेंशियल वाला ही प्रोसीजर यूज किया हुआ है, ठीक है ना? उसका नाम चेंज कर दिया। ओके बट वन गाय टोल्ड मी दैट रिवर्स इंक्रीमेंटल इज बेटर देन द अदर टू. आई मीन दिस इंक्रीमेंटल एंड डिफरेंशियल. आई डोंट नो व्हाई ही टोल्ड मी दैट. आई डिडंट चेक देखो रिवर्स दैट. इंक्रीमेंटल जो नाम इन्होंने रखा है, रिवर्स का मतलब क्या हो गया? जो पुराना बैकअप है, जैसे आपने कहा मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे, तो रिवर्स का मतलब होता है पुराना बैकअप भी क्या करेगा, वो आज के बैकअप के साथ ऐड करके होल बैकअप बना लेगा। नहीं समझे? तो इस ओके नॉर्मल कंसिस्ट द बैक प्रीवियस बैकअप्स, सो इट्स कॉल्ड रिवर्स इंक्रीमेंटल। ओके प्रीवियस बैकअप ऑफ यू मीन फुल नॉर्मल नॉर्मल बैकअप यू मीन. हाँ, ओके मतलब उसने क्या ओके किया, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे सबका बैकअप जो है जब आप ले रहे हो तो पुराने वाला भी उसके साथ ऐड करते जा रहा है। जस्ट लाइक ए ओके रिपीट। मतलब उसने क्या किया, नॉर्मल बैकअप को भी ऐड कर लिया उसके साथ। ओके दिस इज द पॉइंट. अदरवाइज इन डिफरेंशियल यू डोंट नीड टू ऐड नॉर्मल बैकअप, जस्ट व्हाट यू हैव इंक्रीमेंटेड यस यस, तो इन द वो एक फुल सिस्टम. कॉपी बन गई ना बैकअप की। नहीं समझे? ओके 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 अंडरस्टैंड. तो जब भी आपको ओके रिस्टोर करना होगा तो लास्ट रिस्टोर सेट को आप रिस्टोर कर दो। ओके राइट 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 यू डोंट अंडरस्टैंड नाउ. नीड नॉर्मल बैकअप रिस्टोर, ओनली वन ओके टाइम यू हैव टू रिस्टोर। ओके या अंडरस्टैंड या मतलब गॉट एक ही इट बारे में सारा काम हो जाए, वो कर दिया उसने, मतलब और भी राइट अच्छा हो गया। नहीं समझे? राइट राइट या अंडरस्टैंड नाउ. ओके है तो डिफरेंशियल की तरह है, लेकिन उसमें क्या है, नॉर्मल भी ऐड कर दिया उसने। तो राइट उसे नाम दे दिया है, नया नाम दे दिया, रिवर्स इंक्रीमेंटल। ओके ठीक है ना? तो या ये इतने तरह के बैकअप होते हैं। थैंक यू वेरी मच. आई हैड रियली वेरी कंफ्यूज कंफ्यूजन विद दिस ऑल बैकअप्स बट आई एम क्लियर नाउ. और जितेंद्र तुम्हें कुछ पूछना है? नहीं सर, मैं तो एक बार आपका ना ये जो है ये यूट्यूब से पढ़ा था मैंने, तो मुझे काफी हद तक समझ में पहले था, लेकिन अब क्लियर हो गया बिल्कुल भी। हाँ सर, कल का टॉपिक क्या होगा? कलम एडी बैकअप रिस्टोर समझेंगे और सिस्टम रिस्टोर करके देखेंगे। ओके सर, ओके। कल मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको कि एडी का रिस्टोर कैसे करोगे और बैकअप कैसे लोगे, रिस्टोर कैसे करोगे, ठीक है ना? ओके सर थैंक यू चलिए, धन्यवाद. ओके, बाय। थैंक यू. थैंक यू।